दोस्तों आज मेरे पास में दो रेट्रो लुकिंग स्पीकर्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है अपनी कैटेगरी में और बहुत लोग शायद इन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को गिफ्ट करना चाहते हैं बट दे आर कन्फ्यूज कि विच वन शुड दे बाय। द फर्स्ट वन इज़ सारेगामा कारवा एंड अदर वन इज़ नॉइजी बॉक्स XXL। अब ये जो दोनों स्पीकर हैं काफ़ी पॉपुलर हैं और मैं इनके ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि विच वन शुड दे बाय, उनको कौन सा चूज करना चाहिए। नाउ अगर आप भी वो कन्फ्यूजन में जी रहे हैं तो दिस इज द वीडियो वेर यू कैन get the answer for your question. Stick around and you'll have an answer. Chal karte hain shuruaat. दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए करते हैं शुरुआत हमारे वीडियो के साथ में। अब देखिए इन दोनों वीडियोस के, इन दोनों प्रोडक्ट्स के मैंने डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं और करीबन 2 साल से मैं इनको इस्तेमाल कर रहा हूं और मेरा जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो तो ऑलरेडी वीडियोस में है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए वो आपको आज की वीडियो में क्लैरिटी हो जाएगी। नाउ वी विल गोना टॉक अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स और हम एंड में बात करेंगे कुछ उन चीजों की जो शायद थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है और डेफिनेटली आपको वो तो पता होनी ही चाहिए आप चाहे इनमें से कोई भी स्पीकर खरीदे। अब हम अलग पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। पहले बात करते हैं इन दोनों स्पीकर्स के बिल्ड क्वालिटी की और उनके डिजाइन की। ये जो दोनों स्पीकर्स हैं ना, इनका डिजाइन टिपिकल पुराने स्पीकर की जैसा है। नाउ सारेगामा कारवा इज अ लिटिल फेमिलियर डिजाइन और जब बोलते हैं कि रेट्रो स्पीकर तो मे बी शायद सारेगामा कारवा ज्यादा पॉपुलर है या फिर हॉट सेलिंग है। इसका रीजन ये भी है कि सारेगामा कम्स फ्रॉम अ लिटिल यू नो प्रेस्टिजियस ब्रांड और इसमें आपको इनबिल्ट बहुत सारे गाने प्री लोडेड आई थिंक 5000 सॉन्ग्स मिलते हैं। तो दिस डेफिनेटली इज अ ग्रेट डील। ये प्लास्टिक का बना हुआ है और मैंने इसे कभी गिराया तो नहीं, बट आई एम लिटिल डाउटफुल कि अगर ये गिरा तो शायद ये डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो मुझे लगता है। बाकी वहीं पे जो दूसरा स्पीकर है नॉइजी बॉक्स XXL, दिस इज डेफिनेटली अ लिटिल डिफरेंट अप्रोच टू द डिजाइन और यहाँ पे ये पुराना जो स्पीकर होता ना सेम वैसा ही लुक लेके आता है। तो शायद अगर आप इसे घर पे रखेंगे तो कुछ लोगों को ये लगे कि आप आपके दादाजी के टाइम का स्पीकर यूज कर रहे हैं। बाकी बिल्ड जो है इसकी आई थिंक दिस इज मेड ऑफ प्रोसेस्ड वुड, थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेबल है। गिराया मैंने इसको भी नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा बिल्ट में हैवी आता है। बाकी द डिजाइन एंड द लुक इज अ वेरी पर्सनल चॉइस, यू कैन चूज विच वर यू वांट। अगर मुझसे पूछा जाए तो आई वुड मे बी प्रेफर नॉइजी बॉक्स XXL। अभी दोनों जो स्पीकर्स हैं ये मॉडर्न स्पीकर्स हैं और ये रेडियो होने के साथ में लगभग लगभग सभी तरह के कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ में आते हैं। आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, आप पेन ड्राइव से कनेक्ट कर सकते हैं, आपके पास रिमोट्स आते हैं दोनों स्पीकर्स में जो कि फुली फंक्शनल हैं। ये है सारेगामा कारवा का रिमोट, ये है नॉइजी बॉक्स XXL का रिमोट और ये जो दोनों रिमोट्स हैं यहाँ पे आप सभी तरह के मोड चेंज करना, वॉल्यूम चेंज करना, ट्रैक चेंज करना सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। और उसी के अलावा नॉइजी बॉक्स XXL के अंदर आप चाहें तो कोई भी मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं एंड उसी के अलावा दोनों में FM रेडियो आता है। नाउ यहाँ पे सारेगामा कारवा में सिर्फ FM रेडियो का एक बैंड आता है, ओनली FM रेडियो। यहाँ पे रेडियो के लिए आपको 4 बैंड्स मिलते हैं। नाउ FM है, AM है, SW1 है, NSW2, यानी 4 बैंड्स आते हैं अपने यहाँ पे। तो अगर आप रेडियो सुनने के शौकीन हैं और रेडियो में भी यू वॉन्ट दैट ओल्ड एज रेडियो वाली फीलिंग तो आपको शायद नॉइजी बॉक्स XXL में वो फीलिंग ज्यादा मिलने वाली है। इसी के अलावा एक और चीज देखिए, ये दोनों रेडियोज हैं, ये रेडियो तो हैं बट दिस इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ रेडियो जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है। अगर आप बोले रेडियो तो देर आर बटन्स जहां पे आप डायरेक्टली बैंड चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं, देर इज नो एनालॉग सिस्टम, यानी पुराना जो टाइम का था ना वो वाला फीलिंग ऑलमोस्ट अभी खत्म हो गया है। बट यहाँ पे नॉइजी बॉक्स XXL के अंदर आपको वो जो पुराने वाला जो एनालॉग मीटर जो होता था वो आज भी मिलता है जो कि यहाँ पे इसके अंदर आता है। सो यू कैन चूज, आप डायल को मूव करेंगे और ये अंदर से आपके रेडियो बैंड्स को चेंज करेगा। तो ये एक एनालॉग रेडियो है, वहीं पे सारेगामा कारवा एक डिजिटल रेडियो है। अब यहाँ पे एनालॉग के कुछ फायदे भी हैं और नुकसान तो खैर ज्यादा ऐसा नहीं है, बट फायदा ये है कि एनालॉग का जो क्लैरिटी होता है रिसेप्शन का वो ज्यादा अच्छा होता है एंड देन यू ऑल्सो गेट अ एंटीना। तो अगर आपका रिसेप्शन का प्रॉब्लम है तो हल्का सा एंटीना भी आपके रिसेप्शन को बूस्ट कर सकता है। बाकी डेफिनेटली यहाँ पे एनालॉग सिग्नल होने के कारण ये एक ज्यादा टिपिकल रेडियो वाली फील आपको देगा। अब इसी के अलावा ये जो रेडियो है यहाँ पे आपको क्योंकि ये एनालॉग है तो जो साउंड मिलती है वो भी आपको ज्यादा क्लियर मिलती है। थोड़ा सा ये नॉइजी बॉक्स XXL आपके सारेगामा कारवा के मुकाबला ज्यादा लाउड है तो आवाज यहाँ ज्यादा मिलती है। देयर आर 2 स्पीकर्स एक्चुअली और यहाँ पे अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पे भी चलाते हैं तो भी आपके साउंड में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आता।
सारे का मैं कर रहा हूँ, डिस्टॉर्शन नहीं आता, आवाज थोड़ी सी कम है, लेकिन इन दोनों के साउंड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखिए, सारे का मैं करवा जो है, ये जो स्पीकर है यहाँ पे आपको जो साउंड मिलती है उसमें एक मिक्स दिया गया है, थोड़ा सा बेस है आवाज में, हल्का सा ट्रबल्स मिड्स भी दिए गए हैं। नाउ बिकॉज दिस इज अ न्यू एज स्पीकर, तो यहाँ पे हल्का सा इसको एक स्पीकर की तरह बनाने की कोशिश की गई है, ये प्रॉपर रेडियो के जैसा नहीं है, दो दिस लुक्स लाइक रेडियो। पर वहीं पे नॉइजी बॉक्स XXL जो है, इसको इसके ट्यूनिंग को भी ऐसे रखा गया है दैट यू एक्चुअली फील दैट रेडियो एक्सपीरियंस, यानी बेस यहाँ पे नॉइजी बॉक्स XL में सारेगामा करवा से भी कम है, और क्योंकि ये एनालॉग साउंड क्रिएट करता है तो यहाँ पे आपको जो आवाज जो आएगी, जो म्यूजिक आएगा, वो टिपिकल रेडियो एक्सपीरियंस देगा, बेस कम होगा और आपको लगेगा कि पुराने टाइम का कुछ रेडियो ही जनरली चल रहा है, तो वो फील डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा है। और उसी के अलावा एक और चीज, Now, I don't know if you know about it, but अगर आप डिजिटल की बजाय एनालॉग सिग्नल्स के म्यूजिक को अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन योर यू नो रिजुविनेटिंग, और आपके शायद ब्रेन सेल्स को भी थोड़ा सा वो ज्यादा हेल्प करता है ग्रोथ करने के लिए, तो दिस इज अ हेल्थ बेनिफिट, इन केस इफ यू बाय दिस वन यू कैन गेट। अब इसी के अलावा ये जो दोनों स्पीकर्स हैं इनमें आपको बिल्ट इन बैटरी मिलती है, और दोनों ही स्पीकर में जो बैटरी लाइफ है वो करीबन 3-4 घंटा 5 घंटे के आसपास चलता है। अभी क्योंकि 2 साल पुराने मेरे हो चुके हैं स्पीकर, तो बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम हो गई है, बट दोनों को ही आप चार्ज करेंगे तो करीबन 1.5-2 घंटे में ये चार्ज फुल हो जाते हैं, और दोनों में ही आपको इनकेस अगर बैटरी खत्म होगी तो अगर आप केबल लगाते हैं तो उससे भी आप डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हैं। नॉइजी बॉक्स XXL के अंदर क्योंकि ये पुराने टाइप का बनाया हुआ स्पीकर है, तो यहाँ पे आपको ये जो बैटरी लगा के जो रेडियो चलाते हैं वो वाला भी सपोर्ट दिया गया है, तो यू कैन इंसर्ट योर रेगुलर बैटरी इन दिस वन, और यहाँ पे आपका ये नॉइजी बॉक्स XXL काम करेगा। तो ये आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि आपको सारेगामा करवा में नहीं मिलता। बाकी उसके अलावा बैटरी लाइफ के मामले में और बैटरी एक्सपीरियंस के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा मुझे यहाँ पे नॉइजी बॉक्स में एक प्रॉब्लम लगी, वो ये कि जब बैटरी कम होती है ना तो इसका रेस्पॉन्स थोड़ा वीक हो जाता है और आवाज में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगती है, बट द मोमेंट यू प्लग इन टू द चार्जर और बैटरी चार्ज हो गई है फिर मस्त काम करता है। अच्छा, अब एक मेजर डिफरेंस जहां पे शायद सारेगामा करवा इसको बिल्कुल पूरी तरह बीट कर देगा, वो ये है कि सारेगामा करवा ये जो है इसके अंदर आपको बिल्ट इन पुराने बिल्ट इन ओल्ड एज गाने मिलते हैं। सो दिस वन हैज आई थिंक 5000 सॉन्ग्स ऑफ प्री लोडेड कलेक्शन, और वो सारे जो गाने हैं वो डायरेक्टली आप इसे प्ले कर सकते हैं, आपको कोई पेन ड्राइव कोई ब्लूटूथ कुछ नहीं चाहिए, एंड देयर आर डेडिकेटेड बटन्स, आर्टिस्ट चूज करना है, मूड चूज करना है, या फिर गीतमाला डेडिकेटेड पुराना गीतमाला वो आपको यहाँ मिलता है। अगर आपको लता मंगेशकर गाने सुनने हैं तो यू गो टू आर्टिस्ट, यू चूज लता मंगेशकर और किशोर कुमार और मन्ना डे, जो भी आप आर्टिस्ट चूज करें, मोस्टली सभी आर्टिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, वो चूज करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। नाउ दिस इज एन एडेड एडवांटेज जो कि आपको सिर्फ सारेगामा करवा में मिलती है। नाउ सारेगामा बीइंग ब्रांड जो कि म्यूजिक में काफी टाइम से रही है, तो इट हैज राइट्स ऑफ दोस म्यूजिक, तो आपको यहाँ पे मिलते हैं, ऐसा कोई भी फीचर आपको यहाँ पे नॉइजी बॉक्स XXL में नहीं मिलेगा। लेकिन आप चाहें तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, तो आपके फोन से, गाना के ऐप से, कोई से भी आप दोनों में गाने चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और देखिए सारेगामा करवा के अंदर आपको गाने तो मिलते हैं यहाँ पे और प्री लोडेड काफी कलेक्शन है, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक गाना सुनना चाहें, अगर आप लता मंगेशकर का कोई गाना सुनना चाहते हैं जो कि इसके अंदर है, बट यू विल नॉट सर्च दैट सॉन्ग इन दिस वन, तो ये मुझे एक प्रॉब्लम लगी, और मुझे लगता है कि शायद डेफिनेटली वो सर्च का फीचर इसमें होना चाहिए, पर ऐसा कुछ आपको यहाँ पे नहीं मिलता। फॉर दिस वन देयर इज नो इनबिल्ट सॉन्ग, लेकिन अगर आप ब्लूटूथ से अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके फोन से वो सर्च तो आप कर ही सकते हैं। अभी सबसे मेजर पॉइंट इन दोनों के डिफरेंस का वो ये है कि इन दोनों की प्राइसिंग में काफी डिफरेंस है। अब देखिए नॉइजी बॉक्स XXL अगर आप खरीदते हैं तो आपको करीबन डिपेंड ऑन द डील, बट आपको मोस्टली 3500 रुपए के आसपास, 4000 रुपए के आसपास मोस्टली मिल जाता है। नाउ अभी एक्जैक्टली प्राइस क्या है उसके लिए मैंने जो बाइंग लिंक है वो दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं अभी प्राइस क्या चल रही है। सारेगामा करवा इज लिटिल एक्सपेंसिव, और ये आपको मोस्टली 5000 रुपए, 5500 रुपए, 6000 रुपए, कभी कभी डील पे 4500 रुपए में मिलता है, डिपेंडिंग ऑन वॉट काइंड ऑफ डील यू गेट उसमें प्राइस वेरी करेगी। पर मेरे हिसाब से जो 5000 रुपए आपको यहाँ लगा रहे हो उसमें डेफिनेटली यू गेटिंग अ गुड ब्रांड वैल्यू विच इज सारेगामा। आपको यहाँ पे इनबिल्ट सॉन्ग का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको जो म्यूजिक में अगर आप रेडियो वाला एक्सपीरियंस चाहते हैं तो वो थोड़ा सा कम है। यहाँ का जो साउंड आउटपुट है वो डिजिटल है, यहाँ पे कोई भी एनालॉग सपोर्ट नहीं मिलता। वहीं पे नॉइजी बॉक्स XXL गिव यू दैट एनालॉग फीचर, टिपिकल रेडियो फीलिंग, और साथ में आपको यहाँ पे वो जो म्यूजिक कलेक्शन सारेगामा मिलता है वो मिस आउट करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें आपके लिए ठीक रह सकती हैं डिपेंडिंग ऑन योर विशेस। अब आप चाहते हैं कि आपके दादाजी को, आपकी दादी को कोई गिफ्ट करें तो दोनों में से कोई भी गिफ्ट कीजिए, बट मेरे हिसाब से अगर आप टिपिकल रेडियो देना चाहते हैं तो गो विथ नॉइजी बॉक्स XXL, और अगर आप चाहते हैं कि उनको एक न्यू एज गानों का कलेक्शन दें,
एक म्यूजिक स्पीकर दे दें और सिर्फ वो FM ही यूज करने वाले हैं तो शायद आप उन्हें सारा नंबर कारवा भी दे सकते हैं। नाउ इन दोनों के जो माइक लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे अगर चेकआउट कर सकें तो यू विल इनडायरेक्टली ऑल्सो हेल्प माई चैनल। नाउ अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं या शायद मैंने कुछ मिस आउट कर दिया बताने के लिए तो प्लीज इंश्योर दैट यू राइट योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स और आई विल ट्राई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा जो हैंडल है वो है निर्वाण टेक NIRWNTECH और आप मुझे वहां पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड आई एम आल्सो प्लानिंग अ Q&A सीरीज वेरी सून, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज इंश्योर दैट यू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। यूज कीजिए #AskGajesh एंड क्वेश्चन पूछिएगा, आई विल ट्राई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस वेरी सून। बस आज के वीडियो के लिए था, मैं हूं गजेंद्र निर्वाण और आप देख रहे थे निर्वाण टेक। थैंक यू सो मच।